के बजाय टाल मटोल कर रही थी। हमारे द्वारा बार बार अल्टीमेटम दिया गया और जब वे हमारे हक अधिकार के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं किए तब हम लोग नग्न प्रदर्शन करने का अल्टीमेटम दिए और उसके बावजूद जब वे कार्रवाई नहीं किए तो हम लोग 16 और 18 जुलाई 2023 को विधानसभा की ओर नग्न होके 29 लोग नग्न होके प्रदर्शन करने जा रहे थे। तब हमारी गिरफ्तारी हुई और आज हम 56 दिन बाद आज रिहा हुए। इस तरह से पूरा जो मामला है हमारे हक अधिकार के साथ खिलवाड़ करने का मामला है, लूट का मामला है और इसमें प्रदेश की सरकार जो है आरोपियों को संरक्षण दे रही है, बचा कर रही है और कार्रवाई करने के बजाय जो आवाज़ उठा रहे हैं, जो हक अधिकार की बात कर रहे हैं, जेल में डालकर उनका मनोबल को कुचलने का प्रयास किया है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और आगे भी विरोध करेंगे। 267 फर्जी जो जाति प्रमाण पत्र के धारक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ऐसा सरकार ने बोला। आप लोगों के अंदर जाने के बाद हमारा जो समाज है, आपका जो समाज है, पूर्ण रूप से सक्रियता आ गई है कि अब समाज आपके साथ चलने को तैयार है, आगे की रणनीति क्या रहेगी? हमारे नग्न प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार आरक्षित जनप्रतिनिधि हैं और कांग्रेस पार्टी है। न केवल अभी बल्कि जब से कांग्रेस पार्टी की निर्माण हुई है तब से वे दलितों के हक अधिकार के साथ कुठाराघात करने वाली पार्टी है और हम चाहते हैं कि अपने समाज को इतना सजग बनाएं कि वे कांग्रेस पार्टी और गांधीवाद के षड्यंत्र को समझें और अपने हक अधिकार के लिए लड़े। हम चाहते हैं कि इस लड़ाई को हम अपने समाज के हर युवाओं तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि हमें दोबारा इस तरीके से नग्न प्रदर्शन करने की आवश्यकता न हो।